शिव परिवार के इन उपायों से बदलेगी जिंदगी। 40 दिनों में हर समस्या का समाधान। खीर के भोग से बढ़ेगा सौभाग्य। सोमवार को शिव पार्वती को खीर का भोग लगाएं। महिलाओं का सुहाग और सौभाग्य अखंड रहेगा। पति के जन्म नक्षत्र पर किसी वस्तु का दान करने से भी पति की आयु लंबी होती है। दाम्पत्य जीवन की भरेगी दरार। अर्धनारीश्वर स्तोत्र के पाठ से तलाक की नौबत टल जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी दाम्पत्य जीवन की दरार भर जाती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए घर में पूरे शिव परिवार की स्थापना करें। अकेले शिवलिंग कभी न रखें। पति का प्रेम पाने का सरल उपाय, कागज पर अपना नाम लिखें, फिर उसे मोड़कर ओवरलैप करके पति का नाम लिखें। पति पत्नी का नाम लिखा कागज शिव मंदिर में मां पार्वती पर चढ़ाएं। ऐसा करने से पति से भरपूर प्रेम मिलेगा। बेरोजगार पति को नौकरी। लाल या गुलाबी कपड़े पहनकर पत्नी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लाल फूलों से शिव जी की पूजा करें। लिंगाष्टकम का पाठ करने से जल्दी मिलेगा रोजगार। पत्नी करे उपाय तो पति को प्रमोशन मिल जाए। मंगलवार को नारियल में लाल सिंदूर लगाकर, लाल कपड़े में लपेटकर, लाल मौली बांधकर नौ ग्रह में मंगल ग्रह के पास रखें। यह उपाय 5 मंगलवार तक करने से पति को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा। शिव के उपाय से बढ़ेगा कारोबार। हर मंगलवार पति पत्नी दोनों लाल चंदन का टीका लगाए। ऐसा करने से कारोबार बहुत जल्दी बढ़ेगा। नौकरी में मिलेगा स्थायित्व। पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाए। मंदिर में हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाए। पत्नी अगर मंगलवार को मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करती है तो ऐसा करने से पति को हर क्षेत्र में मिलेगी कामयाबी। अपना मकान बनाने का सरल उपाय, किसी भी तीर्थ स्थान से पत्थर लेकर आए और जहाँ मकान बनाना हो वहाँ उस पत्थर से छोटा सा घर बनाए। जल्दी ही आप किराए का घर छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी धोखे से बचने के लिए कार्तिकेय भगवान को इमरती की माला चढ़ाएं। कार्तिकेय जी को दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से विवादित प्रॉपर्टी का केस सुलझ जाएगा। पति को उच्च शिक्षा दिलाने का उपाय, पति पत्नी अगर साथ में बैठकर हय ग्रीवा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ऐसा करने से पति को उच्च शिक्षा हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। हय ग्रीवा नहीं सरस्वती जी को अक्षर अभ्यास कराया था। कर्ज के बोझ से मिलेगी मुक्ति। मंगलवार को रणमोचन स्तोत्र के पाठ से बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार मूंगे या लाल चंदन की माला से जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मूंगे के गणपति की मंगलवार को स्थापना करके पूजा करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।